मेडिकल साइंस क्या है, जो चीज प्रूव हो चुकी है, मेडिकल लिटरेचर में अवेलेबल है, मेडिकल जर्नल में अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड मेडिकल साइंस। करेक्ट और एक दूसरी चीज जो आपको समझना है, दैट इज कॉल्ड मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री क्या है, हॉस्पिटल्स हैं जो मेडिकल मेडिसिन को लेके जो बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज मेडिकल इंडस्ट्री। जिससे व्यापार बनता है, किसी की हेल्थ किसी का व्यापार का कारण बन जाए, तो दैट इज मेडिकल इंडस्ट्री। और जो प्रूवन चीजें ह्यूमन बॉडी के बारे में, दवाइयों के बारे में, दैट इज मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस और मेडिकल इंडस्ट्री दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों सेम चीज नहीं है। तो IMA इट कन्वर्ट्स द मेडिकल साइंस इनटू अ मेडिकल इंडस्ट्री, दैट इज द रोल ऑफ IMA। IMA एक लॉबी लॉबिंग एसोसिएशन है, लॉबिंग एसोसिएशन है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज की बात कर लेते हैं, इससे सब कुछ समझ आ जाएगा, एक ही उदाहरण हर बीमारी में फिट हो जाएगी। डायबिटीज में आपने देखा है कि हर घर घर में डायबिटीज के लिए शुगर की दवाई लेते हैं, और दवाई लेने के बाद एक चीज होती है कि उनका ब्लड शुगर लेवल रीडिंग से नीचे आ जाता है। तो ये जी तो लेकिन ये तो हुआ कि एक पर्टिकुलर ड्रग लिया और ब्लड शुगर लेवल का नीचे आ जाना। अब इसमें IMA का रोल ये है कि इस पूरे पूरे प्रोसेस को कितना प्रॉफिटेबल बनाए। फॉर एग्जाम्पल 2019, टू वेरी प्रिसाइज 6 मार्च 2019 में डायबिटीज का क्राइटेरिया चेंज हो गया, राइट। ACP गाइडलाइन नया आया, सो दैट एकेडमी ऑफ कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल्स, ये दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है मेडिसिन की, कॉलेज ऑफ फिजिशियन, सॉरी नॉट प्रोफेशनल, फिजिशियन। और उन्होंने गाइडलाइन निकाला कि भाई जिनका ब्लड शुगर 250 mg/dL से नीचे है बिना किसी दवाई के, तो दे आर नॉट ए डायबिटीज पेशेंट, उनको दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस एक गाइडलाइन के आने से अबाउट 80-90% सो कॉल्ड डायबिटीज पेशेंट, उनको दे शुड बी फ्री ऑफ मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन के बिना ही उनका ब्लड शुगर 250 से नीचे रहता है। इसका मतलब 80-90% डायबिटीज का जो व्यापार हो रहा था, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स आ रहे थे, वो कम आने लगेंगे, बिकॉज अब वो दे आर नो मोर इन द डायबिटीज कैटेगरी। तो उनको डॉक्टर के पास ना तो जाने की जरूरत है, ना डॉक्टर के बताए हुए मेडिसिन को खाने की जरूरत है। लेकिन अब करेक्ट सर, आता है IMA का रोल, कि IMA ने क्या किया, ये अनाउंसमेंट कर दिया, ये जो नया गाइडलाइन आया है 6 मार्च 2000, सॉरी इट इज 2018, अब वो नया नहीं रहा, ये जो नया गाइडलाइन आया है, इस गाइडलाइन को हम पेशेंट तक नहीं पहुंचाएंगे। और ये ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया, इस गाइडलाइन को हम रिजेक्ट करते हैं, दिस गाइडलाइन शुड नॉट बी टोल्ड टू द पेशेंट। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट उनका, ये कोई ओके गूगल पे सर्च कर देख सकता है। यानी कि सारे के सारे जो फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, जो IMA से एसोसिएटेड हैं, उनको ये बोल दिया गया कि आप इस गाइडलाइन को लोगों तक नहीं भेजेंगे। अब लोगों तक नहीं भेजेंगे, इसका मतलब कि वो जो गाइडलाइन आया है, दैट इज कॉल्ड मेडिकल साइंस, उस मेडिकल साइंस को ब्लॉक किया गया। क्यों ब्लॉक किया गया, ताकि मेडिकल इंडस्ट्री ने जो ग्रो हो सके, और उसके ग्रोथ में रिक्वायर्ड जो बन रही थी वो गाइडलाइन रुकावट ना बन पाए। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जब भी कभी ऐसा कोई मेडिकल साइंस में उपलब्धि आती है जिसकी वजह से मेडिकल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच सकता है, तब लॉबिंग के लिए बीच में आता है, व्हाट वी कॉल एज IMA। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी हमारी बात की, तो 2015 की बात है, जब मैंने ये ऐलान किया कि जितने भी आपके इस शो से भी मैं ऐलान करता हूँ, जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं, या जो अपने आप को डायबिटीज के पेशेंट समझते हैं, वो अपने खाने का अगर 50% खाना, 50 या 60% टोटल डाइट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का कर ले, ढेर सारे फ्रूट, खास करके मीठे फूल जैसे आम है, केला है, चीकू है, तो 3 दिन के अंदर उनकी डायबिटीज इतनी कम हो जाएगी कि दवा छोड़ना उनकी मजबूरी हो जाएगी। ये छोटी सी बात है। क्या बात अब है, क्या है कि जैसे ही ये रिसर्च में लेके आया सामने, तो IMA हरकत में आ गया, और IMA ने हर जगह या तो कंप्लेन किया, या मेरे सेमिनार्स को ब्लॉक किया, वहां धरना देके, या फिर TV के शो के माध्यम से मुझे एक झूठा इंसान क्वैक ये ठहराया, ताकि लोग इस बात पे विश्वास ही ना करें और ये चीजें लोगों तक के घर तक ना पहुंचे। तो मैं जो लेके आया वो रिसर्च, दैट इज कॉल्ड मेडिकल साइंस, लेकिन उस साइंस से मेडिकल इंडस्ट्री को धक्का पहुंच रहा था, तो यहाँ पे रोल आता है IMA का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। सो दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ IMA टू लॉबिंग फॉर द बिजनेस ऑफ मेडिकल इंडस्ट्री। जैसे रेमडेसिविर है, पहले दिन जिस दिन को आया था, उस दिन से ही पता था रेमडेसिविर इंसान के लिए बड़ा ही नुकसानदेह है, और इससे किसी भी कोरोना पेशेंट का भला नहीं हो सकता, पहले दिन से ही पता था। अब तो खैर वो बैन एब्सोल्युटली हो गया, लेकिन यहाँ पे IMA का फिर रोल है कि इसको लॉबी करके किसी भी तरह से लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब रेमडेसिविर लोगों को लगाया जाएगा तो इसका क्या होगा, रेमडेसिविर लगाने से एक हेल्दी इंसान डायबिटीज पेशेंट बन जाता है, बट
बन सकता नहीं, बन जाता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक हेल्दी पेशेंट आर्थराइटिस का पेशेंट बन जाता है, एक हेल्दी पेशेंट थायराइड का पेशेंट बन जाता है। तो जितने रेमडेसिविर लगाएंगे उतना मेडिकल इंडस्ट्री ग्रो करेगी। वो कोरोना जो कि सिंपल फ्लू है वो तो वैसे ही ठीक हो जाना है, लेकिन पेशेंट जब घर जाएगा ही इज नाउ अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज, ऑफ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस, पेशेंट ऑफ थायराइड, तो यानी कि जीवन भर के लिए एक एक्सेस नंबर ऑफ कस्टमर्स मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। तो वो गया था इंफेक्शियस डिजीज को ठीक करने के लिए, कोरोना या फ्लू वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, बट जो जब वो घर गया तो तीन चार नई बीमारी लेके आ गया। यानी कि मेडिकल इंडस्ट्री को ग्रो करने में रेमडेसिविर का बड़ा हाथ है, और कहीं वो मर गया रेमडेसिविर की वजह से, तो और अच्छा है कि लोगों में दहशत फैलेगा, देखो भाई कोरोना से मर गया। एवरी डेथ बिकॉज ऑफ रेमडेसिविर इज गिवन अ नेम, इट इज अ डेथ बिकॉज ऑफ कोरोना। तो वो भी अच्छा है, लोगों में भय फैलेगा। भय से क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे होगा, लोग भागेंगे हॉस्पिटल में, एक बार आ गए हॉस्पिटल में फिर तो उनके पकड़ में और जकड़ में आ ही गए। सो ये है ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, टूवर्ड्स इंडिया।